धरती माथो धरा जठ मारा करनी धरता पा। अभी दो दिन पहले, अरे दो दिन पहले करनी जी का जन्म महोत्सव गया है। और क्या कौन सा जन्म महोत्सव गया है? 636वां। यानी मावड़ी ना 636 वर्ष बाद भी अपा लोग कितने हर्ष और उल्लास रेवर साथे याद कर रहे हो, क्योंकि डोगरी अपारे वास्ते अनेकों काम इन धरा रे माथे किया। बोल करनी जी महाराज की जय हो। आसू दिसातम शुक्रवार ने कियो चारण कुल उपकार, 1444 में करनी माँ आली नो अवतार। 1444 में भगवती आया और चैत्र शुक्ल नवमी रो दिन गुरुवार शुभ आय, 1595 में करनी माँ ज्योतिर्लीन समा। कोई बता सकता है करनी माँ कितने वर्ष इस शरीर में रहकर धरती पर तपस्या की? कितने वर्ष बता सकता है? एनिमन हियर, गणित आती है तो अभी कितना? हाँ, 151 वर्ष, यानी 1444 लगा और 1595 तक। बोल पीस भुजाली मात की जय हो। माता जी राव जोधा जी ने ले जोधपुर बसायो और छोटा भाई बीका जी ने जब राजधानी देवन नो समय आयो तो बीका जी ने ले बीकानेर पहुंचा जठे दोरा पीने वास्ते पानी नहीं। बीका जी माता जी ने केवल लगा, माता जी उठे जोधपुर राजदेव और मने इन धोरा रे मायने ले आया, एड़ी काई गलती कर दी, यहाँ पर क्या राज करूंगा माता जी, या तो पीने के लिए पानी नहीं है। पर विश्वास दिलायो माँ जगदम्बे कि डो हे बीका तू इन जगह नींव राख, मैं तने वचन दू बीका थारो बीकाणो जोदाने सु सवायो बादसी, चिंता मत कर। बोल देशलोक धाम की जय हो। आओ जयपुर की धरती पर, मैं जानता हूँ बहुत से करनी जी के भगत विराजमान है, सभी भक्तों के बीच में माँ जगदम्बा आदिशक्ति इंगलाज आवर स्वरूपा माँ करनी जी को याद करते हैं। उठाने बिनती करा में बारंबार भवानी मानिए अर्जी सुने, उठाने बिनती करा में बारंबार भवानी मानिए अर्जी सुने।
मित्र बड़े भाई जोरदार ताली बजाकर गजेंद्र सिंह की चरणा का अभिनंदन करें। सब शक्ति के उपासक बैठे हैं और शक्ति आराधना के रूप में हम सब शक्ति की भक्ति कर रहे हैं। मां गुणदेवी किन बखत काम आवे, अपारो इष्ट किस जगह काम आता है वो गंगा सिंह जी महाराज किस प्रसंग में आपको बताऊंगा। गंगा सिंह जी करणी जी के परम भक्त थे, बीकानेर के राजा थे और गंगा सिंह के जीवन का एक नियम था, जब भी कोई शुभ काम करने के लिए जाते थे तो पहले देशनोक दरबार में धोख लगाते और माताजी को कहते कि माताजी आप रो सफेद काबो, यानी माताजी रे मंदिर में जो चूर है वह सफेद काबो अगर मारे माथे बैठे तो आप रो मंदिर छोड़ो और मैं काम रे वास्ते जाऊंगा वरना नहीं जाऊं। एक दिन गंगा सिंह ने अंग्रेजों लंदन बुलाया और लंदन जाने पहले गंगा सिंह जी देशनोक दरबार में गया और माताजी ने कहो माताजी मैं आप रो बच्चों हूं और अंग्रेजों मैंने लंदन बुलायो है, शुभ काम है, आप आज सफेद काबू मारे माथे बैठे तो जाऊं वरना मंदिर छोड़ नहीं जाऊं। एक दिन बीतो, दो दिन बीतो, वो काबू बैठो नहीं, तीजे दिन माता जी की कृपा हुई वो काबू बैठो और गंगा सिंह जी लंदन ने वास्ते रवाना हुआ। अंग्रेज बड़ा क्रोधित हुआ कि बीकानेर जेडी छोटी सी राजधानी रो राजा और मैं कह रहा हूं और वो माने संदेश भिजवा रहे हो कि करनी जी रो हुकुम नहीं, एड़ी कैडी करनी जी और एड़ो कड़ो गंगा सिंह ऐसा कौन सा भगत है। जो ही गंगा सिंह जी लंदन पहुंचा अंग्रेजों, गंगा सिंह ने कहो कि आज थारी और थारी भगवती की परीक्षा है, हमने सुना है बीकानेर का राजा शेर से भिड़ जाता है, करणी जी का भगत शेर से भिड़ जाता है, ये बात सत्य है क्या? ये करणी जी के जितने भक्त बैठे सबके लिए गौरव करने वाली बात है, आपको लगे कि बात सच्ची है तो तालियां बजाना वरना मत बजाना। गंगा सिंह कहो कि अगर मारी करणी मारे हाथे रहे तो शेर तो कहीं मैं यमराज से भी भिड़ जाऊं, बोल करनी बात की इतरो कहना हुआ और गंगा सिंह ने ले जा शेर रे पिंजरे रे मायने छोड़ दिया। तब गंगा सिंह जी माता जी ने याद किया डोकरी आज गंगेरी जान नहीं जा रही है, आज थारी और थारे भगतरी लाज जावेला, माँ मैं मरतो तो मर जातो पर आज थारी और थारे भगतरी इज्जत जा रही है, आज डोकरी आवड़ो पड़ेला और याद करे रोता रोता माता जी ने कहे हे माँ
भवानी भारी है, हर चीज़
बेटा।